नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जिस लोकेशन में हम आए, आपने टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जहाँ पे दिन के वक्त लोग आते हैं घूमने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और सूरज ढलने के बाद ये सेम जगह एक हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस लोकेशन की क्या स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको एज पर गूगल आप स्क्रीन पे डाल देता हूँ, एक बार आप पॉज करके पहले स्टोरी पढ़िए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आपने जैसे इसकी जो गूगल पे स्टोरी है वो आपने पढ़ ली है कि एक मेंटली डिसेबल्ड कपल जो दिमाग से पागल है और वो भूत बन के इस जंगल पे इस पार्क में भटकता है रात के वक्त, कि यहाँ पे लोग सूरज ढलने के बाद पूरा ये जंगल खाली हो जाता है, यहाँ कोई इंसान दूर दूर तक नहीं भटकता है, काफी किलोमीटर एरिया में ये जंगल फैला हुआ है। तो हम आए हैं रात के वक्त एक्सप्लोर करने और देखने कि क्या वो कपल घूमते हैं और किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस एरिया में होती है। भाई जब इंसान ही पागल हो जाए तो उनसे खतरा लगता है, वो डेंजरस हो जाते हैं, तो ये तो एक भूत प्रेत आत्मा है। तो चलते हैं, इस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पहले आपको एक यहाँ की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। अंधेरे में अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं, तो दिन में मैंने जो शॉट्स लिए, आप पहले इस लोकेशन को देखें, उसके बाद हम यहाँ को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। लोकेशन है रात के वक्त पूरे जंगल में, पूरे जितना भी ये आप गूगल पे चेक करना, पूरे डाइवर्सिटी पार्क जितना भी है, कोई यहाँ पे कोई इंसान नहीं है सिवाय हमारे, जो एक्सप्लोर करने के लिए हम आए और देखने आए कि इस तरह का कोई किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे होती है या नहीं होती है। तो आप अभी देखिए, हम चारों तरफ पूरा गंदा जंगल है, कहीं से किसी भी तरह की कुछ भी एक्टिविटी होनी है तो डेफिनेटली अभी हो सकती है, और किसी भी तरह का अगर कोई यहाँ पे, एक डर जरूर है जानवर वगैरह का, बिल्कुल मैं कहूंगा, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर जंगल है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, तो भाई यहाँ पे पूरे जंगल में जो मेन पॉइंट, जहां कहते हैं सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जाती है, अब हम उस पॉइंट पे चल रहे हैं जहां पे काफी लोगों का कहना है कि उन कपल को हमने रात के वक्त वहां पे देखा है, लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है। तो अब हम उसी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो एक बार चलते हैं। ये वो पॉइंट है, आप देख सकते हैं, तो एक बार चलते हैं। कुछ लगा मेरे को, चारों तरफ देखो पूरा प्रॉपर जंगल है, मैं आपको दिखा देता हूं। पूरा प्रॉपर जंगल है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर
यहाँ पे होती है तो हमारे सामने डेफिनेटली होनी। कम से कम हमें इस जंगल में 1.5 से 2 घंटा हो गया हमने टाइम स्पेंड कर लिया, लेकिन अभी भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अभी मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी है। हाँ, चारों तरफ अगर देखें तो प्रॉपर जंगल है, थोड़ा सा जानवर वगैरह इन सब चीज़ों का डर ऑफकोर्स डेफिनेटली लगेगा यार, लेकिन इस तरह का जैसे एज पर गूगल बताया गया है कि कोई मेंटली डिसेबल कपल यहाँ पे घूमता है, रात के वक्त आना नहीं चाहिए, जैसे लोग यहाँ पे जाते नहीं है, सूरज ढलते एकदम पार्क खाली हो जाता है, तो उस हिसाब से मेरे को इस तरह से कोई एक्टिविटी मैंने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस करी, नहीं देखी। प्रॉपर जंगल है, एक बार यहाँ पे आप दिखा दो, शायद अंधेरे में आपको प्रॉपर पीछे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दूर तक पूरा 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 ये जंगल फैला हुआ है। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं कि क्या है, कितना बड़ा ये एरिया है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी ऐसे रात के वक्त नहीं होती है। हम यहाँ पे अकेले खड़े हैं, पूरे पार्क में कोई नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अभी तक हमने किया नहीं। तो आई थिंक अब थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो भाई अब हम चल रहे हैं दूसरे स्पॉट पे, जहाँ पे एक आपको हमने दिखाया पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जाती है। अब हम दूसरी जगह चल रहे हैं जहाँ पे भी लोगों के द्वारा यार थोड़ा सांस चढ़ रहा है क्योंकि चढ़ाई है, कभी आप दिन में आके देखना। दोनों तरफ प्रॉपर जंगल है, यहाँ भी पूरा आपने दिन की लोकेशन पे जो मैंने दिखाया आपने देखा होगा, प्रॉपर चारों तरफ यहाँ पे जंगल ही जंगल फैला है। तो ये दूसरा स्पॉट है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी देखी जाती है। अभी भाई मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आप देख सकते हैं वायर वगैरह लगी हुई है, अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं प्रॉपर जंगल है भाई। अगर एज पर गूगल जो बोला गया है और काफी लोग यहाँ बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जाती है, भूत होता है, हॉन्टेड प्लेस है, तो भाई यहाँ खड़े अभी तक तो हमें इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अगर इस तरह से कुछ भी चीजें होती तो अब तक सामने आनी चाहिए थी या हमें महसूस होनी चाहिए थी, बट इस तरह से कुछ नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, बट हाँ थोड़ा बहुत रात के वक्त थोड़ा जानवर वानवर, प्रॉपर जंगल है तो इनका डर तो लगता ही है। तो इस वीडियो को अब थोड़ा बाहर चलते हैं, वहाँ पे एंड करते हैं। अब हम जंगल से बाहर निकल गए, कम से कम हमने 1.5 से 2 घंटा अंदर हमने बिताया और किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमने नहीं फील करी है, ना ही हमने कुछ देखा, ठीक है। कुछ यहाँ दिखाने को था नहीं, प्रॉपर जंगल है तो जितना हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जिस भी लोकेशन पे हम जाते हैं वहाँ का सारा जो भी डिटेल्स होती है वो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता हूँ। तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।